Daily Bulletin is presented by KBN University, United Hospital and Shaheen Group of Institutions. Daily Bulletin is powered by Fine Art Designers, a complete menswear and kidswear, exclusive for suits and sherwanis. शुरुआत करते हैं कोविड-19 के केसेस से। 6 नए पॉजिटिव केसेस आज रजिस्टर हुए हैं और 22 डिस्चार्ज या क्योर केस। टोटल एक्टिव केसेस हैं 86 पर। कोई भी तथ्य शामिल नहीं है आज की इस बुलेटिन में। कर्नाटक भर में करीब 929 केसेस आज रजिस्टर हुए हैं, जिसमें से 429 बेंगलुरु अर्बन के हैं। उसके बाद नेशनल न्यूज की खबर हम लाते हैं, जहां पर हम बात करते हैं कि राहुल गांधी के ऊपर अब एक से एक नया मामला चला है, जहां पर हम बात करते हैं कि एक और सीनियर लीडर जो हैं उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी है। तेलंगाना के फॉर्मर मेंबर रह चुके राज्यसभा के खान साहब ने लेटर लिखा कांग्रेस लीडरशिप को और कहा कि वो इंटरनेशनल कांग्रेस पार्टी वो कम्प्लीटली जो है फेल हो चुकी है, पब्लिक के अंदर वो रिक्लेम नहीं कर सकती है और कंट्री को लीड नहीं कर सकती, इसलिए वो अब पार्टी छोड़ रहे हैं। उन्होंने राहुल गांधी डज नॉट नो हाउ टू बिहेव कहा, इस तरह की बात। वहीं दूसरी तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये कहा कि हम कोशिश करेंगे, प्रस्यूट करेंगे कि राहुल गांधी को AICC के प्रेसिडेंट बनाने के लिए, क्योंकि उनकी ओवरऑल कंट्री के अंदर रीच बहुत अच्छी है और बीजेपी RSS को हराने में राहुल गांधी का अहम रोल रहेगा। उन्होंने कहा कि जिस तरह से गुलाम नबी आज़ाद ने पार्टी को छोड़ा है वो बहुत ही गलत तरीका है, जहां पर दलित और कॉमन लोगों की और माइनॉरिटीज़ के ऊपर जो बीजेपी ऑनस्लॉट कर रही है वहां पर रहकर उनसे फाइट करने के बदला वो भाग कर जा चुके हैं। सोनिया गांधी हमेशा से उनकी एडवाइस लेती थी और वो CWC के और कोर कमेटी के और कैबिनेट मीटिंग के अंदर काफ़ी बड़े तौर पर पोजीशन उनकी थी, लेकिन वो इस तरह से क्विट करना ये बिल्कुल गलत बात है। कर्नाटक भर की अगर हम बात करें तो BS येदियुरप्पा का बड़ा बयान आते हुए कहा कि PM मोदी ने एग्री किया है कि वो कर्नाटक को फ्रीक्वेंटली विजिट करेंगे, यानी कि हर महीने में एक विजिट रह सकती है PM मोदी की। जहाँ हाल ही में बीजेपी के वेटरन लीडर BS येदियुरप्पा ने मुलाकात की प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और JP नड्डा बीजेपी नेशनल प्रेसिडेंट से, और उन्होंने रिक्वेस्ट की कि भाई आप वेरियस स्टेट्स को विजिट करें क्योंकि आने वाले दिनों में इलेक्शंस हैं, तो उस पर PM मोदी ने एग्री भी किया है ताकि वो पार्टी को स्ट्रेंथन भी कर सकें और पूरा एफर्ट डाल सकें। येदियुरप्पा भी काफ़ी तौर पर मोटिवेटेड हैं क्योंकि बीजेपी के टॉप डिसीजन मेकिंग बॉडी के अंदर उन्हें शामिल किया गया है, जिसकी वजह से इस तरह के नए नए डिसीजन भी बाहर आ गए। उसके बाद हम बात करते हैं लोकल न्यूज़, जहां पर प्रोफेसर सईदा सादिया SDPI कर्नाटका स्टेट वाइस प्रेसिडेंट का बड़ा बयान आते हुए बेंगलुरु की पीपुल्स पावर कॉन्फ्रेंस में आए, सुनते हैं उनका इस कॉन्फ्रेंस में क्या कह रहा है। मैं ये कहना चाहूंगी अगर इस बार एक वोट भी आप लोगों ने किसी और पार्टी को दिया, खुदा की कसम आप अपनी बेटियों की और अपनी बहनों की इज्जत का सौदा करेंगे, खुदा की कसम आप अपने आने वाली नस्लों का खून करेंगे, आप मुजरिम होंगे, आप मर्डरर होंगे अगर आपने इस बार अपनी वोटिंग स्ट्रेटजी तय नहीं की। तो आप देखिए कि 15 अगस्त पे इन्होंने कहा कि हम 75 साल आजादी के पूरे होने की खुशी में महोत्सव बना रहे हैं। मैं नहीं मानती ऐसी आजादी को जिसमें आज भी औरतें रेप की जाती हैं, मजलूम बच्चे लिंच किए जाते हैं और न जाने कितने जवान ऐसे लोग जो हक की बात करते हैं सलाखों के पीछे सजा काट रहे हैं। एक तरफ है हमारी मल्लम्मा और चन्नम्मा और एक तरफ है हमारे सारे टीपू सुल्तान। 751 सारे डिस्ट्रीब्यूट किए गए JDS लीडर कृष्ण रेड्डी की तरफ से भीमली विलेज गुलबर्गा साउथ कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर। सभी लेडीज वहां पर मौजूद रहे और उन्होंने कृष्ण रेड्डी से साड़ी से लेकर बहुत ही उनका शुक्रिया अदा किया, कहा कि इस तरह के जेस्टर से वो काफ़ी खुश है और आने वाले वक्त के अंदर JDS पार्टी को सपोर्ट करेंगे और कृष्ण रेड्डी के हाथ को मजबूत करेंगे।
बाद हम बात करते हैं सफा बैतुल माल की। सफा बैतुल माल ने 140 टेलरिंग सर्टिफिकेट्स और 30 टेलरिंग मशीन्स डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। इस मौके पर चीफ गेस्ट रहे मौलाना गयास साहब रशीदी, प्रेसिडेंट सफा बैतुल माल इंडिया, मौलाना अतीक साहब खासमी, प्रेसिडेंट सफा बैतुल माल ब्रांच जहीराबाद, मैडम करीस फातिमा साहिबा एमएलए नॉर्थ, कृष्ण रेड्डी कॉरपोरेटर, तार अली कॉरपोरेटर मुन्ना धारवाड़, धारवाड़ मोटर्स, अजीम साहब एडवोकेट, गुरुराज देशपांडे इंचार्ज किदवे कैंसर सेंटर और मौलाना नसीर रशीदी सफा बैतुल माल प्रेसिडेंट भी यहाँ पर मौजूद रहे। वुमेन इम्प्लीमेंट पावर जो आज वुमेन्स का जो पावर मजबूती से जो पैदा करना है वो आज सफा बैतुल माल के अंदर यहाँ पे चल रहा है। और यहाँ पे जात नहीं पात नहीं, आज हिंदू मेरी माँ और बहनों भी यहाँ पे हैं और मुसलमान मेरी माँ और बहनों भी यहाँ पे मौजूद है और बहुत अच्छी तरह तालीम यहाँ पे दे रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 30 से ज़ायद मशीनें दी गई और 140 सर्टिफिकेट तकसीम किए गए, जिनमें सफ़ा टेलरिंग सेंटर से असनादात अल्हम्दुलिल्लाह फ़न को सीखा उन्हें असनादात तकसीम किए गए। हम तमाम माविन का शुक्रिया अदा करते हैं कि अल्लाह ताला उनके ताउन को कबूल फरमाए। हमारे बड़े अजाइम हैं कि इंशाल्लाह रेडीमेड के जो है ना कारखाने डालें और मज़ीद जो है ना इसके लिए खुद रोज़गार स्कीम के जो है ना और मसाइल जो है हल किए जाएँ। अल्लाह ताला सबके ताउन को कबूल फरमाए। फरहान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का रखा हुआ हेल्थ कैंप काफ़ी सक्सेसफुल रहा। कई सारे पेशेंट यहाँ पर आए और उन्होंने फ्री टेस्ट और सभी जो चीज़ें यहाँ पर प्रोवाइड किए थे मेडिसिन वगैरह उन सब का भरपूर फ़ायदा उठाया। और फरहान हॉस्पिटल का ये जस्टर जिस तरीके से उन्होंने फ्री हेल्थ कैंप रखा है वो काफ़ी सक्सेसफुल रहा। आइए देखते हैं उसके शॉर्ट हाइलाइट्स। अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माई सेल्फ डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल बसीर, डॉक्टर मुदस्सिर सर। कल हम लोग आप लोगों से अपील किए थे कि आज हमारे पास कैंप है, जो अपील दी गई थी हमारे इमरान साहब की तरफ से। तो सुबह 9 बजे से हेल्थ कैंप भी शुरू हो गया, साथ ही साथ ब्लड डोनेशन भी शुरू हुआ है और ये दोनों चीज़ें चल रहे हैं। वी आर गेटिंग गुड रिस्पॉन्स, काफ़ी लोग आ रहे हैं, फ्री कैंप के सर्विसेज अवेल कर रहे हैं। कई पेशेंट हैं जो जिनको काफ़ी हाइपरग्लाइसीमिया, ज़्यादा शुगर है, बीपी है, वो लोग आके अपना चेक करा रहे हैं, ईसीजी वगैरह भी निकाल रहे हैं यहाँ पे। हम लोग सब फ्री हैं हमारी तरफ से, तो उस लिहाज से अच्छा रिस्पांस आ रहा है। हम अभी भी अपील यही करेंगे कि और काफ़ी लोग आए, ये सर्विस सर आए हैं, पूरा देख रहे हैं, तो आई वॉन्ट एवरीबडी टू कम फॉरवर्ड एंड यूटिलाइज द सर्विसेज। सो ये जो पार्ट है ये फ्री कैंप का, और साथ ही साथ हमारे यहाँ पर आज ब्लड डोनेशन भी चल रहा है। सो यूथ से अच्छा रिस्पांस मिला है, तो मैं वही अपील करना चाहूँगा कि काफ़ी लोग आएँ और हमारे सर्विसेज को अवेल करें। उसके बाद हम बात करते हैं एक से बड़ी बिल्डिंग जो डेमोलिश की गई है। जी हाँ, हम बात करें सुपरटेक ट्विन टावर जो नोएडा में आता है सेक्टर 93A में। बिल्डिंग का जो इशू था वो कंस्ट्रक्शन प्रॉपर नहीं था, जो लैंड अलॉट किया गया था नोएडा अथॉरिटी की तरफ से, उस पर काफ़ी दिनों से केस चल रहा था। नोएडा अथॉरिटी को पेमेंट भी दी गई थी, कंपनी ये कह रही है, और उन्होंने अकॉर्डिंग टू बायलॉज की तरफ से काम भी किया जा रहा था, लेकिन उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया है उस पर उन्होंने अपनी रजामंदी दी है और बिल्डिंग को डेमोलिश किया गया। बिल्डिंग डेमोलिशन भी बहुत ही तारीखी डेमोलिशन हुआ। एडिफिस कंपनी और जेड कंपनी जो साउथ अफ्रीका की है उन्होंने इसको डेमोलिश किया और आप देख सकते हैं सिर्फ 9 सेकंड के अंदर 3700 किलो एक्सप्लोजिव लगाया गया, जिसकी वजह से आसपास में काफ़ी पोल्यूशन हुआ। इस पर बहुत बड़ा डिबेट चल रहा है कि जिस तरह से डेमोलिश किया गया उस तरह से करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था। आप भी कमेंट बॉक्स में बताइए कि इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाने के बाद इतने करोड़ों का नुकसान हो रहा है, इस पर कुछ अल्टरनेट भी बनाया जा सकता था या नहीं, यानी कि गवर्नमेंट भी उसे अपनी पोजीशन में ले सकती थी या उसको इस्तेमाल कर सकती थी, कुछ भी हो सकता था। बहरहाल ये केस बहुत सालों से चलते आया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे डेमोलिश करने का निर्णय दिया और आसपास के एरियाज को खाली भी कराया गया।
आखिर में हम बात करने वाले हैं आज की थॉट ऑफ द डे की। थॉट ऑफ द डे को स्पॉन्सर्ड किया है मनियार इंटीरियर मॉल में। जहाँ मनियार इंटीरियर मॉल अब जो एक नई लोकेशन पर आ चुका है स्टेशन रोड पर, जहाँ पर आपको सभी आपकी इंटीरियर की जरूरत पूरी होते हैं। आज का थॉट ऑफ द डे, बी स्ट्रॉन्ग इनफ टू स्टैंड अलोन, स्मार्ट इनफ टू नो व्हेन यू नीड हेल्प, एंड ब्रेव इनफ टू आस्क फॉर इट। पहले तो आप स्ट्रॉन्ग बने ताकि अकेले आप ठहर सके, उसके बाद इतने स्मार्ट बने कि आपको कब मदद लेना है आपको पता चले, और उतने ब्रेव आप रहें कि उसके लिए आप मांग सकें। बात ऐसा होता है कि हम कभी हेजिटेट करते हैं किसी हेल्प लेने की, कभी हम हेजिटेट नहीं करते, तो कभी भी आप याद रखिए, आप पहले तो स्ट्रॉन्ग बने और अकेले लड़ने की कोशिश करें, और अपने आप सोचें कि मुझे कब मदद की ज़रूरत पड़ती है, और तभी मदद के लिए आप पूछें। कमेंट सेक्शन इज स्पॉन्सर्ड बाय यूनाइटेड डिग्री कॉलेज। उसके बाद सीधे ड्रॉप इन होते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में। सबसे पहले कमेंट किया है मोहम्मद कैफ, फर्स्ट कमेंट लिखा है उन्होंने। उसके बाद इंजीनियर रहमान लिख रहे हैं, सेकेंड व्यूअर अस्सलाम वालेकुम ताहिर भाई, गुलबर्गा की रोड के बारे में बताएं। उसके बाद इंडियन गेमर उबैद लिख रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम, इलेक्शंस कब हैं, अस्सलाम वालेकुम ताहिर सेठ। और ताहिर भाई गुड मॉर्निंग लिखा है आसम जुनेदी ने। और मोहम्मद यूनुस जावेद इनाम तक कह रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम भाई, बहुत शुक्रिया डेली न्यूज़ के लिए, अल्लाह आपके चैनल को तरक्की दे, शुक्रिया। और बहुत सारे लोगों ने सलाम लिखा है, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम सबको। शायद हम के पीटी कॉलेज के अंडर ब्रिज के नीचे का वाटर नहीं जा रहा ताहिर भाई। सभी लोगों ने सलाम लिखा है, वालेकुम सलाम। मौला अली लिख रहे हैं, बिल्कुल मानों को इंसाफ करो मोदी जी, बीजेपी मुर्दाबाद, उन्होंने लिखा है। मिशन आरएस लिख रहे हैं कि अस्सलाम वालेकुम भाई, आप कहाँ हैं, आप एपी के वर्कर जो क्लेम कर रहे थे उन्होंने वाटर क्वालिटी इशू को सॉल्व किया है, तो वाटर की हालत ऐसी कि बिल्कुल गटर के पानी की या तरह डिफरेंस नहीं कर सकते। नहीं, वो तो बहुत लंबा तौर पर काम होगा, इतना जल्दी वो काम नहीं होगा मिशन आरएस। और गुलबर्गा गेमर्स कह रहे हैं, लिविंग कांग्रेस नॉट इशू ऑफ गुलाम अहमद, इट्स इशू ऑफ कांग्रेस पार्टी। और उसके अलावा मोहम्मद शकील अहमद अली खान ने भी कमेंट्स किए हैं, और बहुत सारे लोगों ने, मोइन पटेल, दिशानुल खाक एडिट्स, और सभी लोगों ने सलाम किया है, और सबको वालेकुम सलाम। डेली बुलेटिन शो आप सब देखते हैं, ढेर सारा प्यार हमें मिला है, और अब तक ऑलमोस्ट हम लोगों ने 500 से बढ़कर एपिसोड बनाए हैं डेली बेसिस पे, जो सुबह 8 बजे आपको मिलते हैं। हमारी कोशिश को काफी सारे एफर्ट्स लगते हैं, तो आप अगर हमें सपोर्ट करते रहेंगे तो हम बहुत दूर जा सकते हैं। लेट्स गो फार, फास्ट, एक्यूरेट और रिलायबल। ये आप बन सकते हैं गोहैश के मेंबर। मेंबर बनने के लिए आपको जो लिंक दिख रहा है उसे आप क्लिक करें, एक सब्सक्रिप्शन का बॉक्स आएगा, 500 रुपीज, 1000 रुपीज, 2000 रुपीज, जो भी है आप इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म को दे सकते हैं, क्योंकि एफर्ट्स लगते हैं और आपके सपोर्ट के साथ हम बहुत दूर जा सकते हैं। तो काइंडली प्लीज गो अहेड एंड सपोर्ट इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म एंड कीप वॉचिंग। आखिर में हम आपसे अपील करते हैं, अगर आपके एरिया में आसपास कोई इशू है या आप कुछ चीज लोगों तक पहुंचाना चाह रहे हैं या बताना चाह रहे हैं या एडमिनिस्ट्रेशन का कोई लैब से जो आप दिखाना चाह रहे हैं, तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करें या मैसेज करें 9113542278। हम जरूर उसे एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाएंगे और नेसेसरी डिपार्टमेंट तक पहुंचाएंगे और आपकी चीज को आगे ले जाएंगे। डेली बुलेटिन इज प्रेजेंटेड बाय केबीएन यूनिवर्सिटी, यूनाइटेड हॉस्पिटल एंड शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। Delhi Bulletin is powered by Fine Art Designers, a complete menswear and kidswear, exclusive for Suits and Sherwanis.